हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिल दलाल गेम्स पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी मेरे साथ काल पर एक गेम खेलना चाहते हैं तो जल्दी से अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। दोस्तों, मैं वहां पर रूम आईडी शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप मेरे को इस गेम में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार पत्ते की बात करें तो 3 के पत्ते आए हैं। दोस्तों, जब हम मिलकर खेलेंगे तो जो भी विनर रहेगा मैं उसके नाम के साथ वीडियो YouTube पर पोस्ट करूंगा। अगर आप भी अपना मैच YouTube पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और ये देखिए दोस्तों, इक्का नहीं लगाया किसके पास था। ये इक्का सलमान खान के पास था, अब लगाया है इसने। 8 काट आ चुकी हैं दोस्तों। और ये 11 काट हो चुकी हैं कंप्लीट। एक अपने पास है, केवल एक काट ही बाहर बची है। अब की बार केवल 11 का ही गेम हुआ है। दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने साथियों ने जुड़ना शुरू कर दिया है, तो आप भी जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि हम जल्दी से जल्दी साथ मिलकर खेलना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, इस गेम में हमको कितना मज़ा आता है। अगर आपको वीडियो देखने में ही मज़ा आता है तो खेलने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए दोस्तों, सलमान खान और आरिफ खान दोनों को लग गई है माइनस पहली बार में ही। और पत्ते दोस्तों अपने पास 2 के ही आए हैं अब की बार, तो हम 2 ही करेंगे। ये स्कोर देखिए, पोजीशन अपनी फर्स्ट है। हमने सारी कार्ड ले ली, इस वजह से इस शो विन के 7 बन गए थे पिछली बार। ये अब की बार दोस्तों आरिफ खान और शोविनी ने 4-5 किए हैं। इनकी हम आपस में काट पिटवाएंगे। ये आरिफ खान तो धुआं देगा भाई, इसकी तो काट खत्म हो गई। अब की बार हो सकता है शोविनी को माइनस लगे। आरिफ खान ने तो दोस्तों अपने 4 बना लिए हैं। शोविनी को ये लास्ट वाला लेना है जरूरी, और शायद ये बन ही जाएगा इसका। और दोस्तों, शोविनी को लग गई माइनस और सलमान खान ने लास्ट में अपना बना लिया। ये देखिए, अपनी पोजीशन फर्स्ट है दोस्तों 2 राउंड के बाद। और अब की बार पत्तों की बात करें तो पत्ते तो अच्छे आए हैं, ललचाने वाले। फिर भी हम 4 कर देंगे दोस्तों, 4 कर देते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। वैसे हम काफ़ी आगे चल रहे हैं सभी से। अब की बार मज़े लेंगे इनके, फिर से काट निकलवा कर अपने बनाएंगे। ये चाल भी दोस्तों अपनी फेवर में रहेगी क्योंकि अपने चिड़ी का बादशाह आसानी से बन जाएगा। ये सलमान खान ने बादशाह बनाने के लिए ईंट की चाल की थी पिछली बार, और आरिफ खान का केवल सत्ती ही बनवा दी थी। हम हर बार अपना बनाएंगे और काट की चाल कर देंगे। ये दोस्तों 8 काट आ चुकी हैं, और ये 12 काट आ चुकी हैं दोस्तों। 1 काट बची है किसके पास है, देखते हैं। ये वो 13वीं काट भी आ चुकी है दोस्तों, और अब ये चारों अपने बनेंगे। अब किसी के पास काट है नहीं।
ये देखिए दोस्तों, स्कोर देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब की बार पत्ते की बात करें तो दोस्तों हम एक ही कर लेते हैं, ज़्यादा अब हमको रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए इन बच्चों के साथ क्या ज़्यादा ज़्यादा बोल के रिस्क लेना। देख लेते हैं इनके पास क्या क्या आया है, आरिफ खान को देख लेते हैं पहले तो। ये इक्का आरिफ और सलमान खान में से किसी एक के पास है हुक्म का इक्का। ये हुक्म का इक्का आरिफ खान के पास था, ये रिस्क लेके देख रहा था। दोस्तों अब की बार केवल 7 का ही मैच हुआ है, ये इतने डर गए बच्चे अपने से कि ज्यादा बोल ही नहीं रहे। ये देखिए दोस्तों, बच्चों का खेल अपना गोला ही बनवा दिया केवल। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना मजा आता है ये गेम खेलने में, और जब हम साथ मिलकर खेलेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर जब वो वीडियो मैं YouTube पर डालूँगा तो उस पर हम फनी मोमेंट्स कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं, जिसको हम माइनस लगवाएंगे या जिसको हराएंगे उसका थोड़ा सा मजाक हम बना सकते हैं एक तरह से। और दोस्तों पत्ते अब की बार 2 के ही आए हैं अब की बार भी। ये स्कोर देखिए, लास्ट राउंड है अपना, 2 में अपनी बात बन ही जाएगी। आरिफ खान ने और शोविनी ने चार चार किए हैं, 11 का टोटल मैच हुआ है अब की बार। देख लेते हैं बच्चों के पास क्या क्या आया है एक बार। ये आरिफ खान ने स्टार्टिंग में ही इक्का लगा दिया। ये थोड़ी सी अपने लिए मुश्किल हो सकती है दोस्तों, और ऐसा ही हुआ। आरिफ खान के पास था पान का इक्का, और अब इस पर काट लगी तो अपने को हो जाएगी मुश्किल लास्ट में आके। ये शोविनी ने हमको थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है, देखते हैं अब क्या रहेगा। ये चिड़ी में दोस्तों केवल शक्ति ही आरिफ खान की बन गई है, अब इस पर काट लगेगी क्या? नहीं लगी। आरिफ खान ने तो दोस्तों अपने बना लिए हैं फिर से चिड़ी की चाल, ये अपनी फेवर में रहेगी दोस्तों चाल, अब अपना दूसरा बन सकता है, अदरवाइज तो हमको मुश्किल हो गई थी। ये तो शोविनी ने हमको एक तरह से उलझा के ही रख दिया था, और ये आरिफ खान ने भी खेलना नहीं आया। अगर ये अपना हुक्म का गोला ले लेता तो ये फर्स्ट होता और हम सेकंड, लेकिन अब की बार ये तो वास्तव में थे ही बच्चे। ये मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ें।